मैं एक बाइबल स्कॉलर हूँ। शायद से ये फ्रांसिस को बाइबल की सारी बातें पता नहीं। क्या फ्रांसिस ने कभी ये पढ़ा है? पुराने नियम में शाउल राजा अभिषिक्त थे, लेकिन दाऊद ने कभी भी उनके खिलाफ उंगली नहीं उठाया, कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो फ्रांसिस, तुम क्यों आज अभिषिक्त प्रचारकों के खिलाफ बात करते हो, उंगली उठाते हो? बाइबल नहीं पढ़ते हो तुम? जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के नाम से मैं आज आपका एक और बार जीए चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग पहला सामुएल 24 का 6 और 26 का 10 और 11 पद से कुछ बातों को देखेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे जीए इनबॉक्स में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और शायद लाइव शो और अलग अलग प्रोग्राम्स में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें झूठे शिक्षक, प्रचारक या पास्टर के विरुद्ध बातें करनी चाहिए, क्योंकि इन दो पदों के अनुसार पहला सामुएल 24 का 6, 26 का 10 और 11 के अनुसार दाऊद खुद सॉल को परमेश्वर का अभिषिक्त कहता है, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता है, उसको हानि नहीं पहुंचाता है। तो अगर हम झूठे शिक्षकों के विरुद्ध कुछ कहते हैं, उनका खुलासा करते हैं, तो फिर ये गलत है। तो आइए इस विषयों पे हम लोग आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जब भी हम किसी झूठे शिक्षक या झूठे प्रचारक के बारे में उजागर करते हैं, अक्सर लोग हमारे ऊपर पहला सामुएल 24 का 6 और 26 अध्याय 10 और 11 पद का सहारा लेके ये इल्ज़ाम और लांछन लगाते हैं कि अगर दाऊद ने साउल को यहोवा का अभिषिक्त कहा और उसके विरुद्ध अपना हाथ न बढ़ाया, तो हम कैसे और किस अधिकार से किसी शिक्षक या प्रचारक के विरुद्ध कुछ कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस खंड को समझें, कलीसिया में को समझें, कलीसिया में एक पास्टर शिक्षक की भूमिका को समझें, और एक वाजिब कारण हम लोग ले पाएं और समझ पाएं और देख पाएं, जिसके द्वारा हम एक सटीक निर्णय में पहुंचे कि क्या हमें झूठे शिक्षक या प्रचारक के विरुद्ध कुछ कहना चाहिए। अब जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, हम पुराने नियम में यह पाते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल की प्रजा को व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए आज्ञा दी थी। तो इसे हम लोग थियोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं, यानी कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन हर एक आज्ञाओं को दिया जिसके अनुसार इसराइल के देश को चलना था, न केवल आत्मिक बल्कि सामाजिक, नैतिक और खाने पीने के नियम थे, हर एक प्रकार का नियम था। तो उस देश का चलना, उस देश का फंक्शन करना संपूर्ण रीति से परमेश्वर यहोवा के नियमों के ऊपर आधारित था। तो इसे हम लोग थियोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इन नियमों को दिया था, न केवल परमेश्वर ने नियमों को दिया था, लेकिन परमेश्वर ने तीन खास पदों को नियुक्त किया था, नबी का पद, याजक का पद और राजा का पद, द ऑफिस ऑफ द प्रीस्ट, प्रॉफिट एंड किंग, ताकि इनके द्वारा परमेश्वर उन नियमों का लागूकरण कर पाए जिसको परमेश्वर ने मूसा को दिया था इस देश को चलाने के लिए। परमेश्वर उनको, यानी कि प्रॉफिट, प्रीस्ट और किंग, इन लोगों को अभिषिक्त कहता था, क्योंकि ये लोग अलग किए गए थे, अलग से ठहराए गए थे और नियुक्त किए गए थे कि वो परमेश्वर के उस कार्य का, परमेश्वर के इस नियमों का लागूकरण इस देश में करें। परमेश्वर ने इसराइल की प्रजा के साथ कोई प्रत्यक्ष वार्तालाप, यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन, प्रत्यक्ष वार्तालाप या पहुंच नहीं रखी, पर उसने नबी, याजक और राजा को नियुक्त किया था कि उनके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपनी योजना को और अपनी बातों को प्रकट करे, क्योंकि ये वो लोग थे जो इस काम के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे और ठहराए गए थे, इसीलिए उनको अभिषिक्त भी कहा जाता था। कुछ समय के लिए हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर ने न्यायियों को चुना और अलग अलग न्यायियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया और उनके द्वारा उसने इसराइल देश को चलाया। जब हम पहला सामुएल 24 का 6, 26 का 10 और 11 पद में देखते हैं और हम पाते हैं कि दाऊद ने साउल को यहोवा का अभिषिक्त कहा और उसके विरुद्ध अपना हाथ न बढ़ाया, तो दाऊद परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए राजा के पद, यानी कि द ऑफिस ऑफ द किंग, उसका आदर कर रहा था। दाऊद ये जानता था कि परमेश्वर ही के पास वो अधिकार है कि वो किसे, कब और कब तक इन पदों में नियुक्त करके रखे, ये अधिकार दाऊद के पास नहीं था। पुराने नियम में परमेश्वर के काम करने का यही तरीका था और ये एक पैमाना था, तो परमेश्वर को मालूम था कि वो किसको, कब तक,
इन पदों में नियुक्त करे और कब उनको हटाए। तो दाऊद का साउल के विरुद्ध अपना हाथ ना बढ़ाना और उसको हानि ना पहुंचाना इस पद का, यानी कि राजा के पद का, ऑफिस ऑफ द किंग, इसका एक सम्मान था। और इसीलिए हम इस 24 अध्याय पहला सामेल 24 का 6, 26 का 10 और 11 पद में इन बातों को पाते हैं कि वो साउल को परमेश्वर का अभिषिक्त कहता है और उसे कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में हम अब द ऑफिस ऑफ द प्रीस्ट किंग एंड प्रॉफिट को नहीं पाते हैं, नबी, राजा और याजक के इन पदों को हम नहीं पाते हैं, क्योंकि अब यीशु मसीह में इन तीनों पदों की परिपूर्णता हो गई है। संपूर्ण रूप से ये तीन जो पद थे, जो ऑफिस थे, प्रीस्ट, प्रॉफिट और किंग, इसका संपूर्ण परिपूर्णता अब हम यीशु मसीह में देखते हैं। यीशु मसीह सर्वोत्तम नबी है, व्यवस्था विवरण 18:5, मत्ती 17:5, प्रेरित 3:22, इब्रानी 3:1-6। यीशु सर्वोत्तम राजा भी है, यिर्मयाह 23:5-6, लूका 1:30-37, पहला तिमुथियुस 6:15, और यीशु मसीह सर्वोत्तम याजक भी है, इब्रानी का पूरा 7 अध्याय, यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो 8 अध्याय भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कोई खास लोग या खास पद नहीं रहे जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था, अपनी योजनाओं को या फिर अपनी इच्छाओं को प्रकट करता था। तो परमेश्वर ने वो स्पेशल कैटेगरी हटा दिया, परमेश्वर ने वो स्पेशल पोजीशंस जो थे, जो पद थे, उनको परमेश्वर ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे यीशु मसीह आ जाते हैं और यीशु मसीह उन हर एक कामों को, उन हर एक पदों को संपूर्ण रीति से अपने आप में परिपूर्ण कर देते हैं। वो खुद सर्वोत्तम महायाजक बन जाता है, वो खुद सर्वोत्तम राजा बनता है और वो खुद सर्वोत्तम नबी बन जाता है। बल्कि अब हम ये देखते हैं नए नियम में कि परमेश्वर सभी विश्वासियों को एक सामूहिक पहचान देता है, कॉमन आइडेंटिटी, एक समान पहचान देता है। और पद के संदर्भ में या भूमिकाओं के संदर्भ में, दान वरदानों के संदर्भ में कोई भी भेदभाव, कोई भी ऊंच नीच की जैसी बातों को परमेश्वर नहीं करता। यहां तक कि जब हम पहला पत्रस 2:9 में जाते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है तुम सब एक चुना हुआ वंश हो, तुम सब राज्य के याजक हो, याजकों का समाज हो, तुम एक पवित्र प्रजा हो और परमेश्वर की निज संपत्ति हो। तो यहाँ पे परमेश्वर कोई पद, कोई दान, कोई वरदान, कोई भूमिका, उसके आधार पे लोगों ने गुट नहीं बना दिया, परमेश्वर ने कोई ग्रुप नहीं बना दिया, परमेश्वर ने कोई अलग अलग लोगों का झुंड नहीं बना दिया, वरन परमेश्वर सबको एक सामूहिक पहचान दे के बात करता है। सबको परमेश्वर का जन कहता है, सबको चुनी हुई प्रजा कहता है, राज्य के याजकों का समाज कहता है, पवित्र प्रजा कहता है, परमेश्वर की निज संपत्ति कहता है। इफिसियों 2:11 पद से लेके 22 पद अगर हम पढ़ें, आप वही चीज को वहां पे दोबारा पाएंगे, वही एकता की बात वहां पे कही जा रही है, मसीह की देह में एकता, कलीसिया में एकता की बात कही जा रही है। सुसमाचार के बारे में कहा जा रहा है कि सुसमाचार ने यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच जो दीवार थी उसको गिरा दिया है और सबको मसीह की देह में जोड़ दिया है। और फिर मसीह ने इसी देह में, यानी कि इसी कलीसिया में, उसने क्या किया है, कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को पास्टर, शिक्षक करके नियुक्त कर दिया है कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तक उन्नति करें, जब तक कि सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाए, परिपक्व न बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ न जाए। तो न केवल एक सामूहिक पहचान है, एक कॉमन आइडेंटिटी है, लेकिन हम देखते हैं कि एक सामूहिक उद्देश्य है, एक कॉमन पर्पस है। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रेरित के बारे में कहा गया है, भविष्यवक्ता के बारे में कहा गया है, सुसमाचार प्रचारक के बारे में कहा गया है, पास्टर, शिक्षक के बारे में कहा गया है, ये किस लिए दिए गए हैं, ये क्यों कलीसिया को दिया गया है, मसीह ने क्यों कलीसिया को ये दिया, उस एक पहचान को, उस एक देह को, उस एक कलीसिया को, उस सामूहिक जगह में इकट्ठा हुए लोगों को, सामूहिक तरीके से इकट्ठा हुए लोगों को क्यों दिया है, ये चीज़ें, ताकि मसीह की देह में सब उन्नति करें, एक नहीं, दो नहीं, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत नहीं, लेकिन सब उन्नति करें,
जब तक कि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाए, परिपूर्ण न बन जाए, अर्थात मसीह की पूरे ढीलढाल तक बढ़ न जाए। इफिसियों 4:11-13। तो सामूहिक पहचान है, सामूहिक उद्देश्य है। इफिसियों 2:19-20 में हम देखते हैं कि प्रेरितों ने और भविष्यवक्ताओं ने कलीसिया की नींव डाली, उसके बाद सुसमाचार प्रचारकों ने सुसमाचार का प्रचार किया, पास्टर शिक्षक इस शिक्षा को कलीसिया में देते हैं ताकि मसीह की देह में सब उन्नति करें, सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक हों और मसीह के पूरे डीलडॉल में बढ़ जाए। तो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने कलीसिया की नींव डाली, सुसमाचार प्रचारकों ने उस सुसमाचार को प्रचार किया, सुनाया, पास्टर शिक्षक उस शिक्षा को मंडली में देते हैं। तो हम देखते हैं कि अब सभी लोगों के पास एक सामूहिक पहचान तो है, सब लोगों के पास एक सामूहिक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग भूमिका को ठहराया गया है। जब हम सामूहिक पहचान की बात करते हैं तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम प्राथमिक रूप से सबसे पहले प्राइमरली मसीह की देह यानी कि स्थानीय कलीसिया का हिस्सा है। मैं एक और बार इसको पढ़ना चाहूँगा। जब हम सामूहिक पहचान कॉमन आइडेंटिटी की बात करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राथमिक रूप से प्राइमरीली ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले मसीह की देह यानी कि स्थानीय कलीसिया का हम हिस्सा बने। कोई भी इससे वंचित नहीं हो सकता, भाग नहीं सकता। इसका अर्थ है कि स्थानीय कलीसिया में हम एक दूसरे के प्रति जवाबदेही हों, अकाउंटेबल हों, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे के प्रति प्रेम की बातों को रखें, प्रेम के चरित्र को बातों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा प्रस्तुत करें। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए नम्र होना बहुत ज़रूरी है, दीन होना बहुत ज़रूरी है और ये एक कठिन काम है। पास्टर शिक्षक इस पहचान से और इस जुड़े जिम्मेदारी से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, यानी कि जो प्राथमिक रूप से मसीह की देह में जुड़ना यानी कि कलीसिया का हिस्सा होना, कलीसिया का मेंबर होना, कलीसिया का सदस्य होना, इससे एक पास्टर शिक्षक कभी भी बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता, इसको वो लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पास्टर शिक्षक होने की भूमिका और जिम्मेदारी एक विश्वासी को ये आज़ादी नहीं देता है कि वो अपनी प्राथमिक पहचान, सामूहिक पहचान को नज़रअंदाज करे। इस भूमिका के बहाने यानी कि पास्टर शिक्षक की भूमिका के बहाने वो अपने आप को इस सामूहिक पहचान के ऊपर ठहरा नहीं सकता है और अपने चारों तरफ एक सतही अधिकार, एक सुपरफिशियल पावर, सम्मान का माहौल नहीं बना सकता है। भले ही भूमिका के संदर्भ में कोई भी पास्टर शिक्षक है, पर यह वास्तविक सच्चाई है कि सामूहिक पहचान मसीह की देह में सबको बराबर बनाता है और ये कलीसिया की एक बुनियादी बात है। तो इस भूमिका के बहाने, पास्टर शिक्षक की भूमिका को पाने के बहाने, इस भूमिका को निभाने के बहाने कोई भी पास्टर शिक्षक इस वास्तविकता से अपने मुंह को नहीं फेर सकता, इस सच्चाई से अपने मुंह को नहीं फेर सकता, इस सच्चाई से भाग नहीं सकता, इस सच्चाई को ठुकरा नहीं सकता, इस सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि एक सामूहिक पहचान होना यानी कि कलीसिया का सदस्य बनना, कलीसिया में एक सदस्य की भूमिका निभाना, ये सबको बराबर बनाता है और ये कलीसिया की एक बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी बात है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि कई सालों से हमने कलीसिया में इस सामूहिक पहचान के ऊपर चर्चा करना छोड़ दिया है, इस सामूहिक पहचान के ऊपर शिक्षा देना छोड़ दिया है, इस सामूहिक शिक्षा को गंभीरता से समझना और लेना और इसको लागू करना छोड़ दिया है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने जो पास्टर शिक्षक की भूमिका है इसको एक बहुत ही ऊंचा, बहुत बड़ा, बहुत भव्य, बहुत आकर्षक स्थान और पहचान बना दिया है। सामूहिक पहचान को बहुत ही अनावश्यक, निम्न, छोटा पहचान बना दिया गया है और पास्टर शिक्षक की भूमिका को एक सर्वोच्च, बड़ा, अधिकार, सम्मान और आकर्षक पहचान बना दिया गया है। इस पहचान का सहारा लेके पास्टर शिक्षक की भूमिका में जो लोग हैं वो कई बार कलीसिया के लोगों का शोषण करते हैं,
उनके ऊपर दबाव डालते हैं, उन्हें डराते हैं। सत्ता, पावर, शासन, अधिकार और सम्मान का लोभ पास्टर शिक्षक की भूमिका को कलीसिया की सेवा करने की जगह बजाय कलीसिया के लोगों का शोषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला शामिल 24 का 6, 26 का 10 और 11 का सहारा लेके कई बार लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है और उनका शोषण किया जाता है और कहा जाता है कि देखो दाऊद ने साउल को परमेश्वर का अभिषिक्त कहा, उसके ऊपर हानि, उसको कोई हानि नहीं किया, उसके ऊपर हाथ न उठाया, तुम कैसे पास्टर शिक्षक के विरुद्ध में, परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध में उंगली उठा सकते हो, बात कर सकते हो, बोल सकते हो? क्यों? क्योंकि ये भुला दिया गया है कि चाहे पास्टर शिक्षक है, चाहे दान वरदान पाया हुआ कोई भी व्यक्ति है, उसके सबसे पहले जो सामूहिक पहचान है वो ये है कि वो कलीसिया का सदस्य है, बराबर है, ये पहचान सबके लिए बराबर है। और उस पहचान के अनुसार एक पास्टर शिक्षक को या कोई भी दान वरदान पाए हुए व्यक्ति को सेवा करना है कलीसिया में, प्रेम करना है दूसरों से, नम्र होना है, दीन होना है, इस सामूहिक पहचान और जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। लेकिन ये ना करके, इन बातों के ऊपर शिक्षा ना देके पास्टर शिक्षक की भूमिका को, जैसा मैंने कहा, एक बहुत ऊंचा, बड़ा, आकर्षक, भय वाला स्थान बना दिया गया है और एक गैप बना दिया गया है जहाँ पे मानो लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर है लोगों के बीच में और पास्टर के बीच में। पास्टर बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, बहुत सम्मानजनक स्थान है, बहुत अधिकार से और सामर्थ्य से भरा हुआ स्थान है, अभिषेक से भरा हुआ स्थान है। इसलिए हम देखते हैं कि एक उनका कपड़ा भी फिर अलग बन जाता है, उनका जीवन शैली अलग बन जाता है, एकदम एक कॉन्ट्रास्ट दिखता है कि ये लोग अलग है, विश्वासी एकदम अलग है और पास्टर एकदम भिन्न, एक सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल। तो ये एक बहुत आप कह सकते हैं डिसेप्शन है, धोखा है जो कलीसिया में आ चुका है, जहाँ पे सामूहिक पहचान, सामूहिक जिम्मेदारी, कॉमन आइडेंटिटी, इसको भुला दिया गया है, इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है और पास्टर शिक्षक के स्थान को या भूमिका को एक ऐसा भूमिका या एक ऐसा स्थान बना दिया गया है जो लोग, जिसके द्वारा लोगों को डराया जाता है, सताया जाता है और उनका शोषण भी किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि पास्टर शिक्षक का सम्मान नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं खुद एक कलीसिया में पासवान हूँ, पास्टर शिक्षक की भूमिका में जो लोग हैं उनका सम्मान बिल्कुल करना चाहिए। पहला तिमोथियुस 5:17-18 पद उन्हें दुगने आदर के योग्य बताता है। 18 पद में पढ़ेंगे तो ये आर्थिक चीज से भी जुड़ा हुआ है कि एक मजदूर को उसकी मजदूरी का हक है, तो यहाँ पे आर्थिक रूप से पास्टर शिक्षक को सहायता करने की बात कही जा रही है, सम्मान करने की बात कही जा रही है, मैं इसको मानता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5:12-13 पद, इब्रानी 13:17, पहला पत्रस 5 अध्याय का 5 पद और उसका पहला भाग, इन हर एक पदों में वो सम्मान और आदर की बात कही जा रही है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये आदर, सम्मान और अधिकार लोगों पर थोपा नहीं जा सकता, जबरदस्ती लोगों के ऊपर इसको एक बोझ की तरह डाला नहीं जा सकता और इन पदों के सहारे लोगों से उस अधिकार और सम्मान और धन की मांग की नहीं जा सकती, उनका शोषण किया नहीं जा सकता। नहीं, तुमको देना ही देना है, तुमको सम्मान करना ही करना है। वो दबाव देना, वो शोषण करना और लोगों के ऊपर वो अधिकार को जमाना, ये चीज़ बाइबल हमें कहीं नहीं सिखाती है। पास्टर शिक्षक के पास केवल उतना ही अधिकार है जितना उसे बाइबल अनुमति देता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उसे लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो पास्टर शिक्षक को उस आदर को खुशी के साथ ग्रहण करना चाहिए, और अगर लोग उसे आदर नहीं देते हैं तो उसे वो अनादर को धन्यवाद के साथ ग्रहण करना चाहिए, सहनशीलता के साथ बिना कुड़कुड़ाए उसको सहना भी चाहिए। एक पास्टर शिक्षक का सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाना और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहराना, ध्यान दीजिएगा, एक पास्टर शिक्षक को सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाना और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहराना, 2 तिमोथियुस 2:15 के अनुसार, यही केवल उसे वो अधिकार देता है और केवल इतना ही अधिकार देता है कि वो लोगों को वचन के आधार पे, वचन के अनुसार सुधारे, सिखाए, ताड़ना दे और धार्मिकता के शब्द कहे, 2 तिमोथी 3:16 के अनुसार। इसके बाहर वो लोगों को केवल सुझाव दे सकते हैं पर उनके जीवन के ऊपर अपने बातों के द्वारा प्रभुता नहीं ला सकते हैं।
और उनकी बातों के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभाव या अधिकार नहीं दिखा सकते हैं। तो दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार एक पास्टर शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक काम में लाए और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरे। और जब वो ये काम करता है लगातार कंसिस्टेंटली विश्वास योग्यता के साथ फेथफुली, तिमोथी 2:15 को लागू करता है, तो यही उसे वो अधिकार देता है और केवल इतना ही देता है कि वो लोगों को इस वचन के अनुसार, वचन को ठीक ठीक काम में लाने के अनुसार, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरने के अनुसार, लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार सुधारे, सिखाए, ताड़ना दे और धार्मिकता के शब्द कहे। 2 तिमोथी 3:16। इसके बाहर पास्टर शिक्षक केवल लोगों को एक हद तक सुझाव ही दे सकते हैं, पर उनके जीवन में अपनी बातों के द्वारा प्रभुता थोप नहीं सकते। लेकिन पास्टर शिक्षक की भूमिका से जुड़ा हुआ जो एक झूठा छवि बना दिया गया है, जहां वो अधिकार, सम्मान, प्रभुता और सत्ता के स्थान में विराजमान हो गए हैं, उसके द्वारा वो लोगों के जीवन पर राज करने लगे हैं, लोगों के जीवन के हर फैसले में अपनी मनमानी करने लगे हैं और लोगों को अपने हाथों की कठपुतली बनाने लगे हैं। ये एक बहुत दुख की बात है जो आज कलीसिया में देखने को मिलता है। इसीलिए ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना, उनके झूठ के बारे में लोगों को बताना, झूठी शिक्षा का खुलासा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे दाऊद ने साउल को यहोवा का अभिषिक्त कहा और उसके विरुद्ध अपना हाथ न बढ़ाया, उसी तरह हम भी यीशु को, जो अब सर्वोत्तम नबी है, सर्वोत्तम याजक है और सर्वत्र राजा का पद में संपूर्ण रूप से बैठा है, उसके विद्रोह में उठने वाले हर एक लोग, हर एक सवाल, हर एक सोच, हर एक विचार का खंडन करते हैं। और ऐसा करना किसी व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाना नहीं है, जैसा कि कई लोग ये लांछन लगाते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि विश्वासी कलीसिया में बेलगाम है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं और पास्टर शिक्षक को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। बाइबल हमें कलीसियाई अनुशासन के बारे में भी बहुत गंभीर शिक्षा देता है और हमें यह समझना है कि जो लोग कलीसिया में मसीह की शिक्षा के विरुद्ध पाप करते हैं और पश्चाताप रहित जीवन जीते हैं, उनको कलीसिया में अनुशासन से होके जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है। और ये भी बाइबल की एक बहुत बड़ी और गंभीर और महत्वपूर्ण शिक्षा है। कलीसिया की आवश्यकता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या सेलिब्रिटी की नहीं है जो कलीसिया में मनोरंजन देता है, पर कलीसिया की आवश्यकता एक पास्टर शिक्षक की है जो प्रभु के भय में प्रभु के लोगों को आत्मिक भोजन देता है और कलीसिया का प्रधान रखवाला जो मसीह यीशु है उसको अपने जीवन में नमूना रख के चलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो के द्वारा मेरा उद्देश्य यही था कि हम लोग इस पूरे संदर्भ को समझें कि पुराने नियम में ये राजा, याजक और नबी का कार्य किया था, वो पद की अहमियत क्या थी, नए नियम में कैसे हमें एक कॉमन आइडेंटिटी, एक सामूहिक पहचान दिया गया है, एक सामूहिक जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, पर अलग अलग भूमिकाएं दी गई हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भूमिकाएं बड़ी हैं, बड़ी हो गई हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी है, जो बहुत बुनियादी बात है, वो ये समझना है और जानना है और शिक्षा को पाना है, उसका लागूकरण करना है कि क्या हम उस सामूहिक पहचान में एक हैं, सामूहिक पहचान में बढ़ रहे हैं, सामूहिक पहचान में जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आता है भूमिका की बात, और भूमिका किसी भी तरह से सामूहिक पहचान को हटाना नहीं है, सामूहिक पहचान को छोटा करके भूमिका को बड़ा करना नहीं है। साथ ही साथ हमें समझना ये भी है कि अगर एक पास्टर शिक्षक का अधिकार सीमित है, वो वचन को छोड़ के, मतलब वो लोगों के ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, वो लोगों के जीवन में जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो लोगों के ऊपर अपने मनमानी को डाल नहीं सकता, ये एक दूसरा छूट भी नहीं देता है सब लोगों को कि वो भी जो चाहे मनमानी करें, कलीसिया में जैसा चाहे वैसा जिए, जो मर्जी वो करें, और ये कहें कि नहीं, पास्टर हमें कुछ नहीं कह सकते, पास्टर हमें, हमारे ऊपर अनुशासन नहीं कर सकते, ये भी फिर एक दूसरा एक्सट्रीम है। तो हमें एक एक बैलेंस में, एक संतुलन में होके चलना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हमें समझना है कि कलीसिया में किस तरह कलीसियाई चर्च गवर्नेंस जो होता है, कि कलीसिया को किस तरह फंक्शन करना है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि चर्च गवर्नेंस के ऊपर कलीसिया कैसी चलनी चाहिए उसको हम लोग समझें, ताकि
ताकि ये जो सुपरफिशियल एक जो सोच बन के रह गया, एक जो एक पहचान हमने बना दिया है पास्टर शिक्षक को, या अलग 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 दान वरदान पाए हुए लोगों को एक बहुत ऊंचा स्थान देना, एक सेलिब्रिटी स्टेटस देना, उनके पीछे पीछे चलना, और अगर कोई किसी ने कुछ कहा तो गुस्सा हो जाना, ये कहना कि दाऊद ने अभिषिक्त को साउल को नहीं मारा, उसका अभिषिक्त कहा और उसके ऊपर हानि नहीं की, तो हम कैसे कह सकते हैं। तो हम इस तरह के गलत शिक्षा में ना चले जाएं और डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं कलीसिया के उन कामों से, कलीसिया की उस पहचान से, कलीसिया की जिम्मेदारी से जो बाइबल हमें वास्तविक रूप से बताती है। तो परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि हम इन बातों को गौर कर पाएँ, सोच पाएँ, समझ पाएँ और उसके अनुसार अपने जीवन में निर्णय ले पाएँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।